क्या होगा सरकार का, ना ये सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे, सिर्फ यही बोला जाएगा साहब इंडिया की मीटिंग होगी तब हम करेंगे। द स्टैंड इज नॉट क्लियर। यूसीसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली तो बता दिया गया कि हमने समीक्षा के लिए बोला है जेडीयू के प्रवक्ता ने, लेकिन समीक्षा क्या होती है जब ड्राफ्ट आया ही नहीं है, और जब ड्राफ्ट आएगा जो सो कॉल्ड ड्राफ्ट है उसमें जो संघ का अपना पर्टिकुलर स्टैंड है जेडीयू तो उसके खिलाफ रही है। अग्निवीर के ऊपर क्या स्टैंड है? अपोजिशन में इंडिया गठबंधन स्ट्रांगली हम विपक्ष में बैठेंगे, क्रिएटिव अपोजिशन का काम करेंगे, लेकिन राहुल जी का स्टेटमेंट इस बात का एक आईना दिखाना चाहता है भाजपा को और एनडीए को कि आपका गठबंधन आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की हार हुई है, जो तीर्थ स्थलों पे हिंदू समाज ने आपको नकारा, आपकी एक आइडियोलॉजिकल हार है, आरएसएस की भी एक आइडियोलॉजिकल हार है। जोड़ तोड़ की राजनीति से आप सरकार जरूर बनाए लेकिन स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि अब आप यूसीसी ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो अन्य बिल थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लाएंगे नहीं लाएंगे। अग्निवीर का क्या स्टेटस है? क्या पूरे देश में 4% आरक्षण होगा या नहीं होगा? अब मैं इनसे पूछूंगा कांग्रेस का क्या होगा तो ये एक ही बात बोलेंगे, साहब कांग्रेस के जो रूल स्टेट है उसमें क्या होगा। अरे आप सरकार में है, यू आर इन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का रिप्लाई जरूरी है। ओके सुधांशु आपका रिप्लाई जरूरी है। एक लाइन है, बाकी भाषण प्रवचन और व्याख्यान के अलावा सिर्फ ये बता दे विवेक श्रीवास्तव जी कि क्या केरल में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा कांग्रेस और कम्युनिस्ट? नंबर दो, जब राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं पूछा और प्रियंका गांधी की घोषणा कर दी, आप अपमानित महसूस कर रहे हैं या सम्मानित? बस दो चीजों का जवाब दे दिए, बाकी व्याख्यान की जरूरत नहीं। ना अपमानित ना सम्मानित, केरल के अंदर हमारा और कांग्रेस का पिछले 50-70 सालों से लोकल पॉलिटिक्स में कोई गठबंधन नहीं है, फिर भी हम केंद्र में मिलकर के सरकार बनाते आएंगे, आए हैं। जिस दिन आप डिस्टेबलाइज होकर के गिरेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आप डिस्टेबलाइज होके गिरेंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, ये मतलब गठबंधन नहीं है मगर गठबंधन सरकार बनाएगा, ऐसा विवेकपूर्ण वक्तव्य विवेक जी आप दे रहे हैं कि इसीलिए मैंने कहा 55 साल में बचपन की बातें मत करिए, गठबंधन नहीं है मगर गठबंधन सरकार बनाएगा। विवेक 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 आपके तो मतलब आपका जो नंबर है वो तो 10 के करीब की सीटें हैं लेफ्ट पार्टीज की। मैं कंचना यादव के पास जाता हूं जिनके पास 4 सीटें हैं। कंचना यादव, पॉइंट ये है कि राहुल जी जरूर सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन जनता ने उनको 99 सीटें दी हैं, बीजेपी को 240 सीटें दी हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें क्यों बार बार ये सपना आ रहा है कि ये सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के दो सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। एक तो पहला, ये जो कहते हैं ना चाणक्य सिर्फ इन्हीं के पार्टी में नहीं है, स्ट्रेटजी जो है वो अन्य पार्टियां भी बनाना जानती हैं। अगर हमारा अलायंस वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ तो कोई स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा, अगर हमारा अलायंस कहीं टूट रहा है। दरअसल समस्या ये है जो आप समझना नहीं चाहते हो, आपको विपक्ष की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है और आप भी जानते हो। दूसरा जो बात ये है कि आप बार बार नालंदा का क्रेडिट ले रहे हैं, और आपको पिछले डिबेट में भी मैंने समझाया महोदय कि नालंदा का क्रेडिट आप मत लीजिए, आप लेने लायक नहीं है। वो 2006 में उसकी शुरुआत हुई थी और बजट उसका जो यूनिवर्सिटी एक्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पारित हुआ था और 1750 करोड़ जो है बजट उसको मिला था और देख रेख के लिए 950 करोड़ लगभग बजट मिला हुआ था। आपका कोई योगदान नहीं, आपका योगदान है नालंदा में नहीं, दरभंगा में आपने एम्स बनाया है जिसका आप भी वहां पर जो कहते हैं ना जो जड़ पन्ना वो भी नहीं पड़ा हुआ है, ईंट भी एक नहीं पड़ा हुआ है, तो उसकी क्रेडिट ले लीजिए। और भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से थोड़ी सी क्रेडिट नीट परीक्षा पर जो लीक हुआ है पेपर, आपके शिक्षा मंत्री भी ले ले, आपके प्रधानमंत्री भी ले ले और पूरी की पूरी सरकार भी ले ले और इस सब की क्रेडिट लीजिए। जो नहीं, पर ये आपने एक आपने लाइन बोली कि चाणक्य सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं है, चाणक्य हमारी पार्टी में भी है, लेकिन देखिए मैं सीधी बात बोलता हूं कि नंबर्स डोंट लाए, नंबर झूठ नहीं बोलते। 240 का नंबर आप अकेले बीजेपी के पास है, 293 का नंबर एनडीए के पास है, तो ये कौन से चाणक्य हैं जो 230 वालों को सरकार बनाने देंगे और कैसे बनाने देंगे? ये कौन से चाणक्य? आप पप्पू यादव का था मामला सेटल नहीं कर पाए बिहार के अंदर, 400 पार का 400। अरे पप्पू यादव को आप छोड़िए ना, आप बात कर रहे हैं हमसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। पप्पू यादव के बारे में पप्पू यादव जी से पूछ लीजिएगा, उनको भी यहाँ पर बिहार के बड़े नेता है, मैं कहा उनको भी नहीं सेटल कर पाए। गुड़ागढ़ी से, एक सेकंड,
हम कहाँ कह रहे थे, हम कह रहे हैं उनको बैठाइएगा यहाँ तो बात करेंगे, लेकिन जो बात ये है कि ये कौन सा आंकड़ा है, कौन से चाणक्य हैं जो 400 पार का नारा लगाए और आए 240 पर सिमट गए, ये कौन से चाणक्य हैं जो कहते थे हम इतनी बड़ी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और दो बैसाखियों पर इनको चलने की जरूरत पड़ गई, ये कौन से चाणक्य हैं जो पूरे चुनाव में घूम घूम कर मुस्लिमों को गाली देते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं और उस पार्टी से अलायंस करते हैं जो मुसलमानों को आरक्षण देती है, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन देती है, नूर भाषा कॉर्पोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात करती है और इससे ज्यादा तो पेंशन भी देने की बात करती है। ओके सुधांशु का, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। सुधांशु जी,